This news is co-sponsored by Healthy Muscle, 100% authentic supplement store, and Ashi, the fashion studio. प्रशासन द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ऐतिहासिक सेरी मंच पर शुक्रवार और शनिवार को स्टॉल लगाने की अनुमति दी गई है, जिसके चलते महिलाओं द्वारा सेरी मंच पर लगाए गए खाने पीने के स्टॉलों में मक्के की रोटी, सरसों का साग, कचौरी और मोमो व सीडू का लोग खिली धूप में जमकर आनंद ले रहे हैं। सर्दी के मौसम में लोग सीडू, मोमो, कचौरी और सरसों के साग के साथ मक्के की रोटी के व्यंजनों का खूब आनंद ले रहे हैं। लोगों को सरसों के साग में देसी घी व हरी मिर्च डालकर मक्की की रोटी परोसी जा रही है। शुक्रवार और शनिवार को तो दूर दूर से आकर लोग सेरी मंच पर पहुंचकर इन व्यंजनों का खूब आनंद लेते हैं। मंडी के सिड्डू और कचौरी की मांग तो शिमला, ऊना और चंडीगढ़ तक पहुंच गई है, और जो पर्यटक एक बार यहां इन व्यंजनों का स्वाद चख लेते हैं वो अपने साथ अपने दोस्तों और परिजनों को भी पैक करके ले जाते हैं। दुर्गा बहन ग्रुप है हमारा, और सिड्डू तैयार करते हैं और मोमो। सिड्डू में हम डालते हैं अखरोट और गोश्त, और जो आटा होता है ऊपर कुल्लू से स्पेशल मंगाते हैं हम जी। और हमारे कस्टमर जो है हमारा इंतजार करते हैं शुक्र और शनिवार का। हमारा बहुत अच्छा काम चला हुआ और इससे हम रोटी तैयार करते हैं। हम मैं तलैर से हूँ जी, हंसते जी, क्योंकि सर्दी गर्मी में चलता है और ये स्टीम होता है, कोई ऐसा नहीं है कि उबाल होता है जी, इसको तलाई करते हैं हम जी। इस करके जो हमारे कस्टमर हैं बहुत पसंद करते हैं जी। पूना घी के साथ भी खाते हैं, अपने पसंद होती है, कई घी के साथ खाते हैं, कई चटनी के साथ खाते हैं सर, अपने को पसंद है सर। कसर हमारा हाँ जी। और हमारे सिद्धू बेटा दूर दूर जाते हैं, जैसे मान लो कमांड, शिमला, ऊना, चंडीगढ़ सप्लाई देते हैं। बच्चे आते हैं, जैसे टूरिस्ट आते हैं वो लेकर जाते हैं बच्चे। ये कितने लोग इस बोलूँ जी, मैं और मेरी बेटी करते हैं तैयार, हम दो ही होती है ग्रुप में, तो बहुत जुड़े हैं। काम करने वाला कोई नहीं होता, देखो बेटा हमारा अपना हाथ का काम है, हम घरेलू की तरह सामान तैयार करते हैं। तो आपसे कैसे संपर्क करते हैं? जैसे आप वो ऐसे करते हैं कि हमें कॉल करते हैं वो कि आंटी जी हमें इतना सिड्डू चाहिए, इतना तैयार कर देना, और लेकर जाते हैं शुक्र शनिवार को लेकर जाते हैं। अगर बीच में बनाने हो तब भी हमें कॉल करके, जैसे नीर चौक से, सुंदर नगर से, सभी हमें कॉल कर देते हैं, तो मेरे घर से भी ले जाते हैं सप्लाई। नमस्कार जी, मैं अंजू शर्मा हूँ और मेरे समूह का नाम अंबिका स्वयं सहायता समूह है, और वो स्पॉन्सर है नगर निगम मंडी के तहत, और हमें प्रशासन ने एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है कि हम अपने यहाँ पैरों पे खड़े हो सकते हैं। उसी के तहत मेरा स्टॉल लगा है यहाँ पे, सिड्डू, मोमो, कचौरी और सोयाबीन कचौरी, माँ कचौरी, फ्राई मोमो, फ्राई सिड्डू, आपको सारी वरायटी यहाँ पे मिलेगी। गर्मी सर्दी के कपड़े भी मिलेंगे, और कुछ छल्ली की रोटी और सरसों का साग भी है, और काफ़ी तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। तो प्लीज़ आप सभी यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आए, और हम सभी को आगे बढ़ने में अपना सहयोग दें। बाकी प्रशासन का और नगर निगम का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पे हम अपना सामान बेच सकते हैं जो हमारे समूह की महिलाओं द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें हमारे प्रशासन का, नगर निगम का, सभी का सहयोग रहता है, और साथ में जनता का भी रहता है जो यहाँ से सामान लेके जाते हैं और काफ़ी तादाद में यहाँ पे आते हैं। एक हमारे लिए एक अच्छा रोजगार का साधन हो गया है। जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न स्वयं सहायता समूहों को मंडी शहर के बीचों बीच ऐतिहासिक सेरी मंच पर दो दिन के लिए बहुत अच्छा मंच प्रदान किया गया है, और आज महिलाएं अपनी अच्छी आजीविका कमा रही हैं और अपने परिवार का पालन पोषण कर रही हैं। के चैनल के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट।